सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओआई एग्जामबी। दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अपने सिलेबस को कैसे करें एक महीने में। तो उसके लिए हम कंप्लीट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा पूरा सिलेबस है, द कंप्लीट सिलेबस ऑफ एफसीआई टेक्निकल, ओके, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए स्पेशली हम बात करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने कल ही अब एक सेशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे मेन चैनल आईएग्जामबी में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे आप एफसीआई एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का हमारा ये सेशन स्पेशली रहेगा एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, दोस्तों कोई भी एग्जाम बहुत टफ नहीं होता, इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कोर्स है, एक सिलेबस है, उससे क्वेश्चन आने हैं तो आपको पढ़ना है। बट अगर आप टू द पॉइंट स्टडी करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा या इरेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ते हैं, या आप किसी सब्जेक्ट में जाके या किसी टॉपिक के अंदर जाके खो नहीं जाते हैं, तो आप जरूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे एग्रीकल्चर जो पार्ट बी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में एक दो टॉपिक अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी। अब उसको पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे अगर आप इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं तो, बट बिफोर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके 60 क्वेश्चन ही आएंगे और वो एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स का। ओके, तो 60 क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स का, और उसमें 5 डिवीजन है। तो 5 डिवीजन है मतलब अप्रोक्स 12 क्वेश्चन एक डिवीजन से आएंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर से केवल 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और जिसमें 10 से 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं, और जिसमें एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स और एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी। तो अब आप यहीं पे समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली प्लांट पैथोलॉजी से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, अगर हम पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एनालिसिस करें तो। ठीक है, तो अब आपको 1 या 2 क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के लिए आपने पूरी बीडी सिंह पढ़ दी, इतनी मोटी बुक है, आप उसको नहीं कंप्लीट कर सकते हो। या अगर आपको प्लांट साइंसेस में इंटरेस्ट भी है, अगर आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में या पैथोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, पता चला कि आप यही पढ़ने में रह गए और आपने बाकी सारी चीजें छोड़ दी, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। तो आपको मतलब जितने टॉपिक है सबको इक्वल वेटेज देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारे एग्री बी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, जो आपको आपके आने वाले किसी भी एग्री एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों, चाहे वो एएफओ का एग्जाम हो, चाहे वो नाबार्ड का एग्जाम हो, आपको सभी में हेल्प मिलेगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्री बी, आप उसको भी ज्वाइन करें। वहां पे हम इन सारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है, हम आपको उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्री भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, आज हम डिस्कस करेंगे अपना एफसीआई एजीएम टेक्निकल पैटर्न। ओके, सो व्हाई टू स्टडी, ये मैंने कई बार बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का स्केल काफी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है एफसीआई एजीएम टेक्निकल में इस बार सीट्स भी काफी ज्यादा है, 27, और सबसे बड़ी बात ये कि एजीएम की पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो मतलब आपके सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आपको इतना अच्छा मौका मिला हुआ है। अब हम आते हैं अपने एग्जाम के पैटर्न में। तो एग्जाम का पैटर्न जैसा आपको पता है इसमें कि इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट वन एक पार्ट बी। ओके, सो पार्ट बी जो है वो रेलेवेंट डिसिप्लिन का है, और इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाने हैं। जो रेस्ट ऑफ द 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 30 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 120 क्वेश्चंस जो होंगे, इनका वेटेज कितना होगा, 0.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 120 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्रीकल्चर से होंगे, और जो ये बाकी सारा कुछ है 4 पार्ट्स, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे जिनका वेटेज कितना होगा, 60 मार्क्स। आपके टोटल हो जाएंगे 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स में से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आ रहा है हमारा, रेलेवेंट डिसिप्लिन से। तो दोस्तों, रेलेवेंट डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करने वाला है, आपको उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या अलाइड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, उसमें फूड एक्ट्स भी इंक्लूडेड है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी चीजें भी पढ़नी होंगी, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, तो क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली आएंगे।
साथ ही साथ जो ये 120 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमारा एथिक्स एंड मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको पढ़ के जाएं, बिना पढ़े आप इसके आंसर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे ही कर लेंगे, एथिक्स ही तो है, मैनेजमेंट ही तो है, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ऐसा हम कई बार धोखे में रहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता, हमारे क्वेश्चंस बहुत छोटे मार्जिन से गलत हो जाते हैं। तो आप उसको भी करके जरूर जाए। तो एथिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्राची मैम ने अभी कुछ ही दिन पहले सेशन लिया था, उसमें उन्होंने कंप्लीट सिलेबस भी डिस्कस किया था, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस किए थे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि FCI AGM ऑनलाइन कोर्सेज हम सारे ही कोर्सेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए भी है, और इसमें हम पांचों सब्जेक्ट आपके टेक्निकल जो पार्ट भी है उसमें पांचों पार्ट है उनको कंप्लीट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है और एंटोमोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फूड एक्स है, और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये पांचों पार्ट आपके कवर होते हैं। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर एनरोल करें, अभी तक आपने अगर एनरोल नहीं किया है। अभी आपके लिए लास्ट मंथ है, तो लास्ट मंथ का ये लास्ट ऑफर है, आपको एग्जैक्ट 50% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्राइब करने में बाय यूजिंग दिस क्रैक FCI कोड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके आप जरूर पूछें या विजिट करें iexamby.com। तो आइए अब हम सीधे आते हैं अपने डिस्कशन में सिलेबस के। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आने हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी सिमिलर रहनी चाहिए जैसे कि हम AFO में भी प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे हम AFO में, क्योंकि हमारा वहाँ पे प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, तो हम लोग को केवल सेक्शनल कट ऑफ अपनी क्लियर करनी होती है या ओवरऑल कट ऑफ प्रीलिम्स की क्लियर करनी होती है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि हम कुछ अपना पार्ट बहुत अच्छा करके जाते हैं सो देट कि हमारे मार्क्स पक्के हो जाए। तो सिमिलरली आपको वही करके जाना है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने हैं और आप देखोगे तो अराउंड ये 50 टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन आने और आप हर टॉपिक से क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो आप अपने कुछ पार्ट ऐसा बनाइए जिसमें आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाए, मास्टरी हो जाए आपकी, और आप इजीली कर पाओ। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्लड रिलेशन का ही हो या सिलॉजिज्म का हो। सिलॉजिज्म सभी को आई थिंक ईजी लगता होगा, आप किसी भी ट्रिक से चाहे उसको पढ़े। तो सिलॉजिज्म का अगर क्वेश्चन आ गया, चाहे वो कैसा भी आए, वो गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आप इजिली स्कोर कर सकते हो। एक टाइम के लिए अगर आप बहुत ज्यादा, आपको नॉलेज मतलब आपने बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं की है, तो सिटिंग अरेंजमेंट या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है और इसके लिए प्रैक्टिस होनी भी जरूरी होती है। तो ऐसे सब यहाँ पे ऐसे टॉपिक जो बहुत इजी होते हैं आप इनको ले सकते हैं, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, कोड ऑफ एक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल या डिसीजन मेकिंग। तो इस टाइप की रीजनिंग के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और पर आप जितने भी करके जाएं आप उसमें मास्टरी लेके जाएं कि अगर ये आ गया तो फिर ये गलत नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप इसको भी आधा अधूरा पढ़ के गए, सिटिंग अरेंजमेंट तो आपसे हो नहीं पाया और सिलॉजिज्म का क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो कोई फायदा वहां पे नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं भी होती है तो हमने कोई देखा है कई एग्जाम में ऐसा कोई जादू ही नहीं होता है, तब भी कि अगर आप सारे टिक करके आते हैं रेंडमली तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, बस यही एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अपना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन डेटा एनालिसिस में भी सेम रूल लागू होता है कि आप जो अच्छा से आपको कर पाते हैं, चाहे वो लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, रेडार ग्राफ, मिसिंग केस, ये सारे अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट आप जरूर अपना अच्छे से करके जाए इसमें। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के, अगर आप एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर किया होगा तो मैंने देखा है वहां पे हम लोगों ने भी BSc एग्रीकल्चर किया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होने की वजह से क्या होता है, क्वांट्स के प्रति एक डर होता है। क्वांट्स यहाँ पे करते भी है तो उसमें एज इट इज मैथ्स कोई लगती नहीं है, जैसे हम 11th या 12th में मैथ्स पढ़ते हैं वैसी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होती, बट फिर भी एक मन में डर होता है। बट वो डर कैसे खत्म हो सकता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका डर खत्म होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ आप टॉपिक्स सेलेक्ट कर लीजिए और उनको रोज सॉल्व कीजिए। अभी भी आपके पास एक महीना है, अगर आप इसमें 2 to 3 hours भी अपना देंगे तब भी आप इजीली कर सकते हैं। तो सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी DI के क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज बहुत इजी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलरली नंबर सीरीज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन है, या मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, HCF LCM, अगर आप यहाँ तक नहीं भी जाएंगे तो आप इन पार्ट से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल ध्यान रखना है कि आपके 30 क्वेश्चन ही आने हैं और उसके लिए आपको कैसे टारगेटेड स्टडी करनी है और अपने कुछ पोर्शन को इसमें
बिल्कुल क्लियर करके वहां पे जाना है, अदरवाइज क्या होगा आप कोई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और वहां पे आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके बाकी सेक्शंस में भी इम्पैक्ट हो सकता है। देन हम आते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के लिए। तो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसमें सभी कुछ रहता है। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ऑल द सेक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्शन से हो, चाहे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ हो, या कुछ भी चीज हो, जो भी हमारी चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं, वो सारा ही करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड होता है। ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड रीजंस, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, ये सारा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का। तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, साथ ही साथ बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक्स या ऑथर्स, इन सभी को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट की, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की हो, तो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए न्यूज़पेपर की हैबिट आपको काफी हेल्प कर सकती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आई एग्जाम भी प्रोवाइड करता है बीपीडिया, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको आई एग्जाम बी की साइट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे बीपीडिया मिल जाएगा, जो कि मंथली और वीकली अवेलेबल रहता है, और वो आपको बिल्कुल फ्री है। वहां पे ये ओवरऑल कवरेज पूरे जीए की रहती है, तो आप उसको रेगुलरली पढ़ें। एंड अभी पिछले 5 से 6 महीने या एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स का तो आप जरूर पढ़ के जाएं, तो उससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस जीए के कवर हो जाएंगे। देन हम आते हैं एथिक्स एंड मैनेजमेंट में। तो एथिक्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है एथिक्स एंड मैनेजमेंट, तो हमको एक अंदर से डर होता है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो या तो हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं तब भी ये सॉल्व नहीं हो पाता, या फिर हम इसमें बहुत डर के मारे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए खराब होती है। आप इसको बहुत कैजुअली भी ना लें और बहुत डिफिकल्ट भी इसको ना लें, बट आप इसको कैसे पढ़ें, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है आप उससे इसको जरूर पढ़ें। तो मैं आपको इसको समझाने से पहले ही बता दूं कि प्राची मैम ने भी कुछ दिनों पहले एक लेटेस्ट सेशन इस पे लिया था, लाइव सेशन, जिसमें उन्होंने सिलेबस और स्ट्रेटजी और क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए थे। तो आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको काफी अच्छे से समझ वहां पे आ पाएगा। यहाँ पे ऑल्दो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, बट वहां पे मैम ने काफी अच्छे से ये समझाया, क्योंकि मैम इज द स्पेशलिस्ट फैकल्टी फॉर द एथिक्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैनेजमेंट भी है, तो मैनेजमेंट जैसा हम लोग सब समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेज करना, सो डेफिनेशन उसकी क्या है, मतलब डेफिनेशन के तरीके से, ये नहीं कि हम अपने तरीके से ही कुछ भी उसको बना दें। इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके फंक्शंस क्या है, प्लानिंग क्या चीज है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, रोल ऑफ मैनेजर क्या होता है या क्या होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजीरियल एथिक्स क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एनवायरमेंट, करंट ट्रेंड्स, ये सारा ही चीज जितना भी मैनेजमेंट का पार्ट है ये सारा इसमें रहता है। तो मैनेजमेंट एंड एथिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वर्क प्लेस पे हम कैसे काम करते हैं, कैसे हमें करना चाहिए, क्या हम अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने जो कलीग्स या हमारे जो सीनियर है उनके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, और हम वर्क प्लेस पे कैसे इफिशियंसी ला सकते हैं, इसके लिए एथिक्स एंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी किसी भी वर्क प्लेस में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है, और रेगुलर ट्रेनिंग में लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसपे हर कोई ध्यान देता है। तो लीडरशिप जनरेट करना मतलब सबको साथ लेके चलने वाली बात होनी चाहिए, तभी हम आगे खुद भी ग्रो कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन को भी हम ग्रो करा सकते हैं। तो इसके लिए इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हम लोग अपना एग्रीकल्चर का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो एथिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए आप प्राची मैम का वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसको जरूर देखें। देन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अभी हम पार्ट वन की ही बात कर रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस इससे भी आने हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से। ओके, सो ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो क्योंकि आप सभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो अगेन मैं नहीं समझता कि इसको बहुत ज्यादा हमें समझाना चाहिए। अगर आप बेसिकली देखोगे तो उसमें 3 पार्ट दिए हैं, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है एंड फार्म इरिगेशन है, और कुछ मिसलेनियस पार्ट है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से केवल 2 टॉपिक है, एक तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक कैसे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, या आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड फार्म वो वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, एमएसपी, पीडीएस, ये सारे ही जनरल इश्यूज है। तो ये भी आपको कंप्लीट करके जाने हैं, इनको कैसे करना है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये सारे बेसिक चीजें हैं और आपकी एग्रीकल्चर में कवर हो जाएंगी, तो इसको इंडिविजुअली यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। तो हम सीधे आते हैं अपने टेक्निकल वाले पार्ट में। तो टेक्निकल वाले पार्ट में पार्ट बी अगर हम देखें तो इसमें 5 पार्ट है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, और इससे 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
60 क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 120 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या एलाइड साइंसेस में ग्रेजुएशन किया है तो माइट बी ये आपका एक अच्छा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। बट बायोटेक्नोलॉजी सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट रहता है। अगर आपको प्लांट साइंसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप जेनेटिक्स से थोड़ा डरते हैं, तो ये हमारे थोड़ा सा और टफ हो जाता है। देन एंटोमोलॉजी भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपको एक बार उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सा नया आ जाता है। नया तो नहीं है क्योंकि हमने 10th तक सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी होती है, 11th 12th में भी सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी होती है, बट क्योंकि हमारा टच वहां पे छूट जाता है तो हम इसको भूल गए होते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर आप देखोगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस देखोगे, तो ये बहुत बेसिक का है, बेसिक सिलेबस है। मतलब इवन 11th एंड 12th का भी सिलेबस नहीं है, ये केवल 10th तक का सिलेबस है। यहाँ पे आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखो तो केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग और रेडियोएक्टिविटी दी गई है। ऑर्गेनिक में केवल पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स दिया गया है, बेसिक्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड एसिड्स। एंड बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो आप देखोगे ना यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एल्केन्स लिखा है, तो बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप उसके कन्वर्जेंस में चले गए, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ लें, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ लें, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगेन फिर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 10 से 12 क्वेश्चन ही आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मोर देन 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आपको बेसिक में पढ़ना है, बहुत ज्यादा अंदर जाके किसी की भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इतना ही पढ़ें कि आपका एग्जाम लेवल के लिए सफिशियंट हो। हमें एमएससी या बीएससी केमिस्ट्री में फिर से नहीं करनी है। ऑल दो हो सकता है कई बार ना केमिस्ट्री हम लोग को बहुत अच्छा लगता है या किसी को पढ़ते हुए अपने 9th 10th की या 11th 12th की याद आ जाए और उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाए और वो उसमें ही अपना टाइम वेस्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार होता है हम लोग का जो इजी सब्जेक्ट होता है हम उसमें बहुत टाइम देते हैं और जो हमको टफ लग रहा होता है उसको हम आग बंद करके छुपा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द 5th इज द फूड एक्ट। सो फूड एक्ट में पीएफए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1964, ऑल्दो ये सब्ज्यूम हो गया था। फसाई एक्ट में, फसाई एक्ट 2006, उसके स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये सारे एक्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सारा ही आपको कंप्लीट करके जाना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि एग्रीकल्चर या किसी भी एक पार्ट से अराउंड 10 to 12 या 12 to 14 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि इतने क्वेश्चन किसी से आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, चलिए हम एक वन बाय वन इसको देखते हैं, वहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर में जैसे सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप्स, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप्स और वो भी सीरियल्स एंड पल्सेस की। तो केवल सीरियल एंड पल्सेस दिया हुआ है तो आप इतना ही पढ़ें, बहुत ज्यादा कोर सीरियल या फिर बहुत ज्यादा इन डेप्थ की स्टडी करने की जरूरत नहीं। आप केवल अपने को कंसंट्रेट करें सीरियल्स एंड पल्सेस में, फाइबर क्रॉप, ये क्रॉप, वो क्रॉप पढ़ने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, सो स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट और वो भी किसके लिए, सीरियल एंड पल्सेस के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स इन द एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़े, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रोडक्शन एस्टिमेट तो हमारे पास रिसेंट होते हैं, जैसे अभी 3rd एडवांस एस्टिमेट आया है तो उससे आपको सीरियल्स और पल्सेस का क्या प्रोडक्शन है लेटेस्ट वो पता चल जाएगा। लास्ट ईयर का फाइनल एस्टिमेट आपको पता चल जाएगा। बट जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि किस स्टेट में कौन सा फर्स्ट है या कौन सा स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्रॉप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे राइस में कौन सा स्टेट का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, किसका लोएस्ट प्रोडक्शन है या टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इस टाइप के लिए ना आपके पास सोर्स बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। पता चला कि आप किसी भी पुराने सोर्स से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके लिए बहुत लेटेस्ट आपको डेटा भी नहीं मिलेगा। जो सबसे रिलायबल है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, उसकी साइट पे एग्री स्टैट्स की ईयर बुक आती है, उसमें सारे स्टैट्स दिया रहता है। बट अगर आप देखेंगे तो वो लास्ट 2019 तक अपडेटेड है और उसमें डेटा 2017, 18 या 18 एंड 19 का लिया हुआ है। तो हमारे पास ये लास्ट का डेटा है, मे बी अभी कुछ आने वाले दिन में ये अगर रिवाइज हो जाए तो हमको आगे फर्दर डेटा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए। जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेंसस है तो वो 2015 में हुआ है तो लेटेस्ट वही रहेगा। अब उसके लिए ये नहीं कि आप 2021 के अकॉर्डिंग ढूंढने लग जाए, तो जो लेटेस्ट है वही आपको ध्यान में भी रखना है। देन इज द इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, तो जो मैं कहना चाह रहा था अभी आप लोगों से कि इससे अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आने हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के चक्कर में पूरी की पूरी बुक्स पढ़ रहे हैं हमारी, चाहे वो फुंदन सिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीडी सिंह पढ़ रहे हैं या चाहे कोई और भी सिलेस्टेड एंड सीमेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑल्दो वो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो केवल इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स होना चाहिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होती है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होती है और थोड़ा सा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए।
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आप समझते हैं कि डीएनए क्या होता है, कैसे उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है और कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें इनडेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है। और एटलीस्ट मेंडल जेनेटिक्स तो आप सभी पढ़ें, एंड कुछ एक्सेप्शन जिनको हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं वो आप जरूर पढ़ के जाएं। साथ ही साथ सेल डिवीजन, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में सेल डिवीजन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों ही आप जरूर पढ़ के जाएं। देन इज द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो या चाहे प्लांट पैथोलॉजी हो। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो मेंशन किया है, क्योंकि एंटोमोलॉजी के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ के जाएं, बहुत ज्यादा डिजीज साइकिल पढ़ने में या किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पढ़ने में, किसी फंगस की लाइफ साइकिल पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको जो सीरियल्स एंड पल्सिस में आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये एफसीआई का मेन वर्क है, तो सीरियल्स एंड पल्सेस में आपका फोकस होना चाहिए। तो डिजीजेस रिलेटेड टू द सीरियल्स एंड पल्सेस आर इंपॉर्टेंट। देन इज द फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। देन न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, चाहे प्लांट न्यूट्रिशन हो या एनिमल न्यूट्रिशन हो, दोनों वहां पे मेंशन किया है, तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको दोनों पढ़ के जाएं। मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट बोथ फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, तो यहाँ पे आप अपने को खुद लिमिट रखें सीरियल्स एंड पल्सेस के लिए। अगर आप देखोगे ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन से ज्यादा हमको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मिलता है, तो यहाँ पे कहीं भी एग्जाम में हॉर्टिकल्चर मेंशन नहीं है, तो आप हॉर्टिकल्चर की तरफ ना जाएं। आपने देखा होगा कि कई बार हमको पोस्ट हार्वेस्ट केयर या प्रिजर्वेशन में, हमने देखा ना, मैक्सिमम तो हम हॉर्टिकल्चर का ही यूज करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में आप चले जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सिर्फ आप सीरियल्स और पल्सेस का ही देखेंगे, और उसमें भी वीट एंड राइस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्योंकि मेंशन किया है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आप पूरा पढ़ के जाएं। देन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन भी इसमें मेंशन है, ऑल्दो आप, मेरे को ये पता है ये थोड़ा सा टफ हमारे लिए जरूर हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल थिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स, रेस्पिरेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल, पूरी की पूरी साइकिल, चाहे वो क्रैब साइकिल हो, क्रैंज एनाटॉमी हो, या फिर C3C4 ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे ही चीजें काफी टफ होती हैं पढ़ने में, बट आप एक बार जरूर उसको देख के जाएं, तो आप वहां पे इजीली कर पाएंगे। देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि केवल ये सिलेबस की वीडियो देखने से आपकी काम बन जाएगा, आपको इसके बाद एक्ट भी करना है और अकॉर्डिंगली पढ़ना भी है। देन हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं, हालांकि वो टॉपिक अपने आप में काफी बड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले माइक्रोब्स दिया है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स एज वेल एज हार्मफुल माइक्रोब्स। तो आप सभी को पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होते हैं, जितने भी हमारी फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें काफी सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, हार्मफुल भी बहुत सारे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल थोड़ों को हम थोड़ा सा लेके साथ चल सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बोलते हैं RDNA टेक्नोलॉजी। ओके, सो द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है कि हम किसी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से लेके, मान लीजिए कोई जीन है DNA की, उसको हमें एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जितना इजी लगा हमें कि एक डीएनए का पार्ट यहाँ इस ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिट कर दिया, इतना इजी ये होता नहीं है। तो उसमें काफी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है और काफी टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व होती है, तो वो आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देन इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है, या एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड इकोनॉमी में, या एग्रीकल्चर है चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के लिए है, चाहे वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, तो उस पर उसका इकोनॉमिक्स में क्या इफेक्ट है या इम्पैक्ट है, ये आपको पढ़ के जाना है। Then pathogens and how we can control the pathogen and recent trends क्या है, ये भी हमको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के जाना है। तो बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा सबके लिए डिफिकल्ट तो रहता ही है, हमको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब काफी इनडेप्थ है, वो भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक्सटेंशन है। एक तो पहले ही जेनेटिक्स समझ नहीं आती, उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ो, उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो, तो कम्बरसम हमारे लिए थोड़ा बहुत ये होता है। बट स्टिल अगर आप केवल टॉपिक्स को देख के पढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, अगर आप कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की बुक उठा के पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स में आप देखोगे तो एक अलग ही टाइप का पूरा सिलेबस दिया होता है, तो आप वो उस सिलेबस पे ना जाएं, केवल इन टॉपिक्स को उस बुक्स में से चूज करें और उससे
पढ़ें। एंटोमोलॉजी में देखिए सबसे पहले बेसिक एंटोमोलॉजी, देन इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, और वो भी किसके लिए, सीरियल्स एंड पल्सेस के लिए ही आपको ध्यान में रखने हैं। वर्टिब्रेट पेस्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। तो जैसे कि ये टॉपिक सारे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो मैं इनमें एक एक में नहीं जाऊंगा। बेसिक एंटोमोलॉजी में तो आपको फिर बेसिक एंटोमोलॉजी पता ही होनी चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, जैसे हमको पता होना चाहिए ना कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है एटलीस्ट, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। कंप्लीट में हमारी 4 स्टेजेस होती हैं, एग होगा, देन लार्वा होगा, देन प्यूपा होगा, एंड देन अडल्ट होगा। एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं, एग के बाद निम्फ होगा, निम्फ के बाद अडल्ट होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस हमारे लिए खतरनाक होती है इंसेक्ट की, किसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट डिवेस्टेशन कॉज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात देखोगे तो आप बेसिकली लार्वा या फिर ग्रब भी इसको कहा जाता है, ये वाली स्टेज काफी खतरनाक होती है, कहीं कहीं पर अडल्ट भी खतरनाक होते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में निम्फ एज वेल एज अडल्ट दोनों ही हमारे क्रॉप्स के लिए खतरनाक होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, इंसेक्ट की जो ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है आप उसको पढ़ सकते हैं। Then beneficial and harmful insect, integrated pest management. This is again important. Integrated pest management के लिए आपको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोच के ना जाएं कि integrated pest management हम देख लेंगे, केमिकल्स के अलावा बाकी सब कुछ यूज करना है, बट वहां पे ऐसे कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि उनको बिना पढ़े सॉल्व करना इजी नहीं होगा। तो अगेन ओवर कॉन्फिडेंस में आपको, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, जिस समय एग्जाम चल रहा होगा उस समय आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहिएगा। तो अभी आप सारी ही चीजें पढ़े, देन स्टोरेज ग्रीन पेस्ट और वो भी सीरियल्स एंड पल्सेस का, वर्टिब्रेट पेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्योंकि हम लोगों ने या तो 10th तक पढ़ी है या तो किसी ने 12th तक पढ़ी होगी, 12th के बाद किसी ने भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो बेसिकली 10th तक की ही केमिस्ट्री का ही है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों ने 10th में ही पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है, आयन एक्सचेंज, ये सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री, और साथ साथ रेडियो एक्टिविटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्या उसमें पीरियड्स होते हैं, क्या उसमें ग्रुप्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप या अक्रॉस द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स मेटल एंड नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनसे बेसिक्स ही पूछा गया है, बेसिक्स ही आप पढ़ के जाएं। इसमें बहुत ज्यादा इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बेसिक हैं वो तो आप पढ़ के जाएं कि जैसे साइज के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और वो कैसे चेंज करता है, साइज के अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन आते हैं, बेसिक्स आप पढ़ के जाएं। बट उसके बाद इनके कन्वर्जेंस या फिर बहुत ज्यादा जो इनडेप्थ रिएक्शंस होती हैं उनको पढ़ने की आप इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन आपको ध्यान रखना है 10 से 12 क्वेश्चन ही आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। बट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपको छोड़ना भी इसको नहीं है, आप इसको जरूर कंप्लीट करके जाएं। देन बायोकेमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इसमें रहेंगे। फूड एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें PFA एक्ट है, प्रिवेंशन एंड फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट, हाउएवर गवर्नमेंट ने इसको सब्सूम कर दिया था फसाई एक्ट में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 रेगुलेशंस निकाले गए, तो ये अभी चल रहा है। अगर आप देखोगे तो वाइडली फूड एक्ट्स के लिए सबसे मेन फूड एक्ट यही है। आप किसी भी शॉप में जाते हैं जो फूड रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर फूड आइटम्स में डील करती है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है फसाई का, है ना, FSSAI का सर्टिफिकेट वहाँ पे होता है। तो FSSAI का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही हम उन सारी चीजों में डील कर सकते हैं। देन RTI एक्ट 2005 का, इसकी समरी तो आप एटलीस्ट पढ़ के जाएं। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी आप पढ़ के जाएं, तो समरी तो आपको एटलीस्ट पढ़नी है। अगर आप उसके सेक्शन वाइज इसको नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, सारे सेक्शन आपको नहीं भी याद हो रहे, तो एटलीस्ट समरी पढ़ के आप जरूर जाएं, ताकि आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिलेट कर पाए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्ट जो की आपको पढ़ के जाने हैं, और वो आपके पार्ट बी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये था, ये 5 थे पार्ट बी के जो टेक्निकल में आपसे स्पेशली पूछे जाने वाले, जिनसे 60 क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। और हम लोग अपने एग्रीवी चैनल में रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, या जो हमारा कोर्स है, जो हम लोग कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं FCI टेक्निकल में, उसमें ये आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पे नोट्स और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर योर डाउट क्लैरिफिकेशन। तो अगर आपने नहीं एनरोल किया है तो आप अभी एनरोल करें।
देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये जो हमारा पार्ट ए का पार्ट है जिसमें एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस आने हैं। तो 10-10 क्वेश्चंस भी अगर आप मानते हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लगभग 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं और 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस से। तो कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको साथ ही साथ तैयार करना है, उसके सिलेबस पे भी हम नहीं जाएंगे। तो एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया था, वो केवल एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस और फार्म इरिगेशन उसमें पार्ट था, और यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला पार्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, कौन कौन सी अभी प्रेजेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज चल रही है, एमएसपी क्या है, कैसे फिक्स होता है, क्या मेथड्स हैं, और अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है एमएसपी के लिए वो क्या की गई है। देन पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या खाद्य प्रणाली सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इस पे हमने वीडियोस भी बनाई है एग्रीबी पे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जरूर देखें। क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, क्या उसमें लिमिटेशन है और कैसे गवर्नमेंट उसको रिवैम्प कर रही है, क्या उसमें न्यू मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। देन इश्यू ऑफ द बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये एक वर्क होता है एफसीआई का, तो एफसीआई की ये काम है पीडीएस को मेंटेन करना, इश्यू ऑफ बफर स्टॉक और एमएसपी को भी अगर आप देखोगे तो काफी हद तक रेगुलेशन एफसीआई का ही होता है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट होती है फ्रॉम द फार्मर गवर्नमेंट की बिहाफ में वो कौन करता है, एफसीआई ही करती है। तो गवर्नमेंट से प्रोक्योर करना, देन उसके बाद गोडाउन तक पहुंचाना, गोडाउन से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या फिर स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये पूरा का पूरा काम किसका होता है, एफसीआई का। तो एफसीआई के काम के बाद स्टेट गवर्नमेंट जस्ट गोडाउन से लेकर कहां पहुंचा देती है, फेयर एंड प्राइस शॉप्स में, तो वहां पे ये राशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है पीडीएस में वो किसका है, एफसीआई का ही है। तो ये दोनों एफसीआई के बिहाफ में काफी इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक्स ऑफ द एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड द रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, क्योंकि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अभी भी बहुत ज्यादा है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हमको रिड्यूस करना है। अगर हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे तो एक तो हमारी इनकम जनरेशन होगी और दूसरा हमारे फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, प्राइस स्टेबिलाईजेशन हो सकेगा। जो वोलेटिलिटी होती है प्राइसेस में, जैसे टोमेटो ऑनियन एंड पोटेटो, बेसिकली क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था, तो उसमें आपने देखा है कि टोमेटो ऑनियन एंड पोटेटो का जिस समय हार्वेस्टिंग सीजन होता है उस समय तो काफी ये सस्ता रहता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो भी मिल जाता है। बट अगर आप ऑपोजिट सीजन में देखोगे तो ये 80 रुपीज पर केजी तक इसका प्राइस चला जाता है। तो ये वोलेटिलिटी ना रहे, ना तो इससे फार्मर को फायदा होता है, ना तो इससे कंज्यूमर को फायदा होता है, तो ये वोलेटिलिटी ना रहे इसके लिए हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है। देन इज द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म कब से शुरू हुए, क्या क्या लैंड रिफॉर्म हुए, प्री इंडिपेंडेंस या फिर प्री ब्रिटिश एरा क्या थी, ब्रिटिश एरा के टाइम पे क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए, या आफ्टर ब्रिटिश या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं कि क्या लैंड रिफॉर्म्स इसमें हुए हैं। देन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, प्योर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग 4P क्या होते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस एनालिसिस एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, अगेन ये थोड़ा सा एमएसपी या फिर एफसीआई का पार्ट है। एफसीआई की साइट में आप देखेंगे तो आपको प्राइस एनालिसिस या प्राइस फ्लक्चुएशन पे काफी लंबा डिटेल वर्क मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो प्राइस एनालिसिस बेसिकली एमएसपी से रिलेटेड होता है। अगर फार्मर के आप देखेंगे तो वो कैसे एनालिसिस की जाती है ये इस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एफसीआई टेक्निकल कोर्स, कैसे आप कंप्लीट करना है, आपको इसको एक आइडिया लगा होगा दोस्तों। अभी भी आपको एक इससे स्ट्रेटजाइज आप कर सकते हैं, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस आप ही को करनी है, पढ़ना भी आपने ही है, तो खुद पे आपको अपना भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, मोटिवेटेड रहना है। और साथ ही साथ मोटिवेटेड क्यों रहना है, क्योंकि एजीएम लेवल की पोस्ट, आप इतनी छोटी एज में 24 या 25 के आप होंगे मैक्सिमम, तो आप इतनी छोटी एज में एजीएम लेवल की पोस्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर में आप कितनी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी छोटी एज में इतनी अच्छी पोस्ट मिलना इतना भी ईजी नहीं होता है, तो आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो लॉ, अकाउंट्स, टेक्निकल या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस चारों के लिए ही हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस गाइडेंस के लिए आप कोर्स को जरूर ले, एनरोल करें। अभी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग क्रैक एफसीआई कोर्स। कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीबी चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में एग्रीबी चैनल है, तो आप हमारे एग्रीबी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको रिलेटेड पीडीएफ अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहते हैं। So thank you students for watching and बने रहे हमारे साथ and have a good day ahead.